तो गाइस अभी हम लोग मोती बाग में है। एक्चुअली हम लोग अभी एयरफोर्स स्टेट म्यूजियम घूम के आए थे, तो वो ब्लॉग आपने नहीं देखा तो आप जाके देखेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा ब्लॉग है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है, उसमें एयरप्लेन्स के बारे में, मतलब जो फाइट में यूज हुए थे वो सारे एयरप्लेन्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के तो है, साथ में पाकिस्तान के भी एक दो प्लेन है वहाँ पे, और टैंक्स भी हैं पाकिस्तान के, और जो गाड़ियाँ यूज हुई थी, टैंक है, ट्रक है और जीप भी है वहाँ पे पाकिस्तानी। तो ये तो लड़ाई तो होती रहेगी। खैर तो अभी हम लोग रेल म्यूजियम जा रहे हैं, हम लोग अभी मोती बाग पहुंच चुके हैं, तो अभी रेल म्यूजियम में आपसे मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम लोग रेल म्यूजियम आ गए, रेल म्यूजियम की पार्किंग है ये पूरी, वहाँ पे टिकट काउंटर है रेल म्यूजियम का, तो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस सामने जो आपको इधर भीड़ दिख रही है, ये रेल म्यूजियम का टिकट काउंटर है और इसके बैक साइड में रेल म्यूजियम है। तो गाइस अभी हम लोग रेल म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे आपको ये सब बोर्ड दिख जाएगा, इसमें सब लिखा है किस तरफ के लिए, किस तरफ जाना है, किस चीज़ के लिए। तो अभी यहाँ से है प्रवेश एंट्री, ये इस साइड से एक छोटा सा इंजन खड़ा हुआ है, ये पुराने टाइम के व्हील्स हैं, इंजन या डब्बे के कह लीजिए आप, और ये इंजन है MTR2 स्टीम लोकोमोटिव इंजन है, ये ओरिजिनली बिल्ट फॉर द कराची पोर्ट ट्रस्ट बाय द ब्रिटिश फॉर्म ऑफ डिक केयर एंड कंपनी, बहुत सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। तो गाइस ये है गाइड मैप, यहाँ पे सब डिटेल्स लिखी है, कौन से कोच है, क्या क्या है इसमें, ये पूरा मैप बना हुआ है रेल म्यूजियम का। ये काफ़ी बड़ा है म्यूजियम, मैप देख के तो लग रहा बहुत बड़ा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नेशनल रेल म्यूजियम इंडोर गैलरी में, ये बैक साइड में सारा ओपन गैलरी है, यहाँ से पहले इंडोर गैलरी में एंटर करते हैं, ये रिसेप्शन है, इस साइड में एंट्री है, ये देखो मस्त मॉडल बना हुआ है, ये सामने एक मॉडल बना रखा, अभी आपको डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल तो नहीं करेंगे वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो गाइस ये सारे आपको नीचे तीन इंजन दिख रहे हैं, ये सब स्टीम इंजन है, सबसे पुराना इंजन मुझे नीचे वाला लग रहा है, यहाँ पर एक ये मॉडल बना रखा है मन्नू, और ये एक एक इंजन इससे पीछे की साइड में है, ये है मिराज स्टेशन की घड़ी, निर्माता वनसन, लंदन 1926। एक ये है, ये कोच है, यहाँ पे ये कोच है, ये है रॉकेट स्टीम लोको, ये भी रॉकेट स्टीम लोको, ये भी इंजन है, ये स्पीड में चलता होगा और के कंपेरिजन, इसलिए इसमें एक ये भी मॉडल है ट्रेन का, रोल ऑफ रेलवे इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, अच्छा आज़ादी के टाइम पे जो इन्हें रोल था इसका रेलवे का, ए बी इंडियन रेलवे पैसेंजर सर्विस देन एंड नाउ, इलेक्ट्रिक इंजन हो गए, पहले कोच ऐसा होता था, अब ऐसा हो गया, इतना ऐसा हो गया, पहले खाना ऐसे मिलता था, अब फूड ऐसे मिलता है, अब ऐसे मिलता है, ये टिकटिंग पहले ऐसे था अब ऑनलाइन का हो गया है, सेफ्टी पहले ऐसे कैसे बैठ के जाते थे, अब ये विंडोज कवर्ड हो गए, ये प्लेटफॉर्म पहले लकड़ियों के होते थे, अब ये एडवांस हो गए, और ये टनल है लक्स, ये मशीन है जैसे टनल बनाई जाती है, और पीछे से ये यहाँ पे मिट्टी निकालते हैं, अभी भी ये तो ऐसे ही चलता है, यहाँ से मिट्टी आती जाती है पाइप के थ्रू, और ये भी वो पटरी का बिछ लगाई जाती है, ये वो मशीन इससे पटरी बिछाई जाती है, ये फेरी शेप स्टीम इंजन,
डू नॉट टच। अच्छा ये वो है ट्रेन पटरी चेंज करने वाला, हाँ जिसे पटरी दो उधर चेंज करते हैं। फेरी शिप स्टीम शिप। तो गाइस अभी बीच में लाइट चली गई थी, ये फेरी शिप, ये भी सब ये स्टीम की है सारी, बहुत ज्यादा ही डिटेलिंग में बनाया गया है, नीचे मतलब फ्लोर वाइज बनाया गया है ये इसमें सब बताया गया है, ट्रेन की पटरी कैसे फर्स्ट रोकी रहती है, क्या उसमें क्या क्या चीजें होती है, उनको क्या क्या कहते हैं, ये सब। ये OHE मॉडल, ओवर हेड इलेक्ट्रिफिकेशन मॉडल, ओवर हेड इलेक्ट्रिक होते हैं ओ भाई, ये वंदे भारत ट्रेन का मॉडल है। ट्रेन के हॉर्न्स, एयर हॉर्न, ईयर हॉर्न रियर, ये पीछे का, ये ब्रेक सिलेंडर ब्रेक पाइप, और ये है इलेक्ट्रिक इंजन जो आजकल चलते हैं। ये ऊपर वाला तो नहीं देखा मैंने, ट्रिक लोग ये बड़ा इंजन होंगे, ये ऊपर वाला, नीचे वाला तो पैसेंजर वाला ही लग रहा है। तो गाइस ये है डीजल इंजन, इसमें यहाँ पे ये इंजन दिखाया गया है, अंदर से इंजन कैसा होता है। तो गाइस ये है कालका शिमला एक्सप्रेस का डब्बा, और ये नीचे भी सर्वेंट रूम रिजर्व, ये सलून, और भी है इसमें वातानुकूलित चेयर कार, और ये कौन सी है, ये तो बुलेट ट्रेन लग रही है, ये तो अभी इंडिया में आई भी नहीं है मॉडल तैयार हो गया है। एक ये है, ये सर्वेंट रूम है, ये दिखाया गया है अंदर से कैसा होता है, इसमें आपको दिख रहा होगा। तो और ये है लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला मालगाड़ी, ये भी मालगाड़ी है, और ये भी पीछे भी है, ये कोयले वाली है, ये सब, ये है कंटेनर ट्रक, वो देखो क्रेन, टंस्टन, ये भी ये गार्ड का डब्बा होता है, गार्ड की सबसे लास्ट में होता है, ये डू नॉट टू बी लूज सेंटेड इंडियन रेलवे, ये क्रेन वाली ट्रेन है। तो गाइस अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, अभी आपको हम रियल के दिखाएंगे, अभी तो सब मॉडल दिखाए थे, अभी आपको रियल के इंजन दिखाएंगे सामने। यहाँ पे है, यहाँ पे आप जाके फोटो खिंचा सकते हैं, इसके अंदर जाके, ये बाद में कर लेंगे फोटोग्राफी, और यहाँ से आपको सारे ही रियल के इंजन दिखेंगे, ज़्यादातर इसमें स्टीम इंजन हैं, पुराने इंजन। तो अभी फोन से शूट कर रहे हैं, फोन से सीधा गोप्रो पे शिफ्ट हो जाते हैं पहले। तो गाइस अभी हम लोग जॉय ट्रेन की राइड ले रहे हैं, बाद में ट्रेन के इंजन घूमेंगे क्योंकि इसका लिमिटेड टाइम होता है, तो हम सोच रहे हैं पहले राइड ले लें, क्योंकि बाकी सारे ट्रेन के इंजन को एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ऐसा ना हो इसका टाइम निकल जाए तो पैसे बर्बाद जाएंगे सारे, तो इसीलिए पहले इसकी राइड ले लेते हैं, फिर आपको ट्रेन के इंजन दिखाएंगे, अंदर से भी दिखाएंगे। यहाँ से अभी कुछ ट्रेन आपको दिख भी रही होगी। तो गाइस हमारी राइड अभी स्टार्ट हो गई है, अभी हल्के हल्के स्टीम इंजन है तो हल्के हल्के चलना स्टार्ट हो गया, फिर से रुक गया, अभी प्रेशर बना रहा है, स्टीम का प्रेशर बना रहा है चलने के लिए, प्रेशर बनना जरूरी है। तो गाइस सभी राइड चालू हो गई है, लक्स मजा आ रहा है ट्रेन की राइड, लक्स तो आज पहली बार ट्रेन में बैठा है, आज तक लक्स ट्रेन में नहीं बैठा, छोटी मैं भी नहीं बैठा हूँ, नहीं यू भी एक बार रियल, एक दो बार यू भी रियल ट्रेन में बैठा है, पर लक्स तो आज पहली बार ट्रेन में बैठा है, मजा आ रहा है। मैं दो बार इस पे बैठा हुआ, एक बार अपने स्कूल के दोस्तों के साथ और एक बार अपने पापा के साथ। जानवर, हाँ जानवर।
टनल में जाएंगे अंदर। स्टेशन पे वापस आ चुके हैं और ये रहा म्यूजियम जंक्शन स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म है। वापस से यहीं पे आके अभी रुक जाएगी ट्रेन, ब्रेक लग गया। बैठ के और जाओ। तो ये है प्लेटफॉर्म का नाम म्यूजियम जंक्शन, समुद्र तल से ऊंचाई 206.70 मीटर और लक्स इंजन में बैठ गया है। अब लक्स चलाएगा क्या? ऐसे नया लग, ऐसे नहीं चलेगा वो। ये यहाँ पे अरे ये तो कार की तरह है, रेस पैडल और ब्रेक पैडल। तो गाइस सभी लक्स ऊपर खड़ा हो गया है, फोटो फोटो चलो फोटो 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 खींचा। और ये है पहला इंजन, बहुत पुराने पुराने स्टीम इंजन है यहाँ पे, ज्यादातर स्टीम इंजन ही है। तो इसमें आप अंदर जा सकते हैं। ये यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग वो है जहाँ से ऑपरेट किए जाते थे इंजन को। आगे इसमें इंजन है तो यू भी और लक्स सभी ऊपर जा रहे हैं। तुम बैठो, यू भी लक्स चलाएगा। हाँ तुम कोयला डालना, तुम कोयला डालना। अभी जिस ट्रेन में यू भी और लक्स गए थे उसी ट्रेन के कोचेस हैं यहाँ तक। ये पैसेंजर ट्रेन लग रही है मुझे, और ये फिनिक्स नाम है इस ट्रेन का। ये भी स्टीम इंजन है, हाँ कोयले वाली होती है। ये भी सेम ही है उसके, और ये दोनों सेम है। ये थोड़ा आगे वाली टेक्नोलॉजी की होगी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी होगी, ये पुराना होगा। सो गाइस मिराकल हो गया, यहाँ पे रियल का कोयला पड़ा हुआ है। और इसके ये भट्टी भी अभी खुली हुई है यहाँ पे। ये वाला थोड़ा सा मेंटेन्ड है हल्का बहुत, ये थोड़ा सा इसके कुछ स्विचेस काम कर रहे हैं। अब देखो पापा, हाँ तो कोयला पड़ा हुआ है। हाँ कोयला जेब में रख ले रहा। देखो ये भी लकड़ी की है। हाँ ये नीचे भी लकड़ी का ही है। लकड़ी का इसलिए होता है ना गर्म ना पड़े। हाँ ड्राइवर ऑन साइड आगे लो यार, फिर से ब्रेक वाले लीवर को खींच रहे थे। तो चलो अब दूसरे स्टेशन वाले जगह पे चलते हैं। तो गाइस एक ये भी स्टीम इंजन है, ये तो अभी लास्ट तक मेरे ख्याल से लास्ट में जो स्टीम इंजन चलते हैं उनमें से एक होगा। इसके ये वाले व्हील चेक करो आप कितने बड़े हैं, मतलब मैं 6 फीट का हूँ तो मेरी हाइट से भी ऊपर जा रहा है ये व्हील, इतना बड़ा व्हील है ये। ये बंद है इसका रास्ता जैसे, उस साइड से आप जा सकते हैं, इसके अंदर इधर से भी जा सकते हैं। लक्स ये वाला और अच्छा है, देख के आओ अंदर से। ये है इसमें सब यहाँ पे कोयला। तो गाइस इस इंजन में ये कोयले जहाँ पे रखे जाता था वो है, और ये भट्टी है यहाँ से इसमें अंदर कोयला फेंका जाता था, यहाँ से कंट्रोल होता था। ये शायद ये पता नहीं क्या भाई, ये हैंडल हैंडल है, ये हैंडल। और ये भी कुछ है ब्रेक, गियर है। नहीं ये इसका है, इसको ऐसे नीचे कर दोगे ना तो यहाँ पे ये खुल जाएगा कोयला फेंकने वाला इसका मुंह। अरे यार ये वैक्यूम बॉडी है, स्टीम गॉज वैक्यूम कॉक मेन कॉक लुब्रिकेटर कॉक ये सब लिखा हुआ है इस पे। तो भी नीचे उतरते हैं। तो गाइस ये है पुराने टाइम की क्रेन, रेलवे क्रेन है, ये भी स्टीम है, स्टीम इंजन है इसमें भी। और एक ये है, ये भी स्टीम इंजन है शायद, नहीं ये डीजल है, स्टीम है ये भी स्टीम इंजन है, बट इसमें वो नहीं बना है जहाँ से कोयला डालते हैं इसमें। तो गाइस ये आप इंजन देखो, इसमें यहाँ पे ये शायद कोच भी है, नहीं ये इस अरे ये भी ये अलग है पूरा, इसमें आगे इंजन है छोटा सा, ये अंग्रेजों के जमाने का है 1902 का।
डिकोविल लिखा हुआ है उस पे नेम। और ये एक अलग ट्रेन है यार, ये सेपरेट है। नहीं यहाँ पे मुझे लगा ये अंग्रेजों के जमाने का इंजन है, डीजल इंजन वगैरह होगा ये, पट्टो पट्टी चेक करने वाला। हाँ, और एक यहाँ पे ये ब्रिटिश लाइट रेलवे, ये ब्रिटिश के टाइम के सारे कोच हैं। और ये आगे है, ये भी इंजन ब्रिटिश के टाइम का है। ये सेंटिनल, ये भी ब्रिटिश के टाइम का इंजन है। इतना सही है। तो गाइस अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे रेल के इंजन घूम लिए, अभी सबको प्यास लग रही है, धूप भी बहुत तेज हो रही है, तो अभी हम लोग कैफेटेरिया जा रहे हैं। तो गाइस ये है बहुत ही ज़्यादा पुराना फायर इंजन, ये प्रॉपर कार की तरह है, आपको रोड पे चल लेगा ये आराम से, और ट्रेन पटरी पे भी चल लेगा, सारे रोड पे भी चल लेगा, ऐसा कुछ सिस्टम है इससे, क्योंकि इसमें स्टेयरिंग भी लगा है। और ना यहाँ पर लिखा भी है डायरेक्टली ड्राइवन फ्रॉम इंजन विदाउट इंटरमीडिएट गियरिंग थ्रू लीवर। अबको ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, 80 हॉर्स पावर है, और वो सिर्फ 40 माइल पर आवर मैक्स स्पीड है, बहुत ही तेज होती है लाइट की स्पीड। तो ये कंपास से भी ज्यादा, जीप के कंपास से भी ज्यादा। सामने से आपको दिखाता हूँ, सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो लिखा हुआ है, लिखा है मेकर्स जॉन मॉरिस एंड सन्स यूके इंजन वाटर कूल फोर सिलेंडर 80 हॉर्स पावर। लंबोर्गिनी से ज्यादा है ये लंबोर्गिनी, इतने हॉर्स पावर की तो हमारी स्विफ्ट थी। टायर्स सेरेब्री चैलेंजर सॉलिड टायर्स, मैक्स स्पीड 40 माइल्स ऑन लेवल। अच्छा, कैन एक्सटेंड अ ग्रेड ऑफ 1:5, पता नहीं क्या है इसको वॉट्स में लेते जो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मतलब वो एक्सेलेरेटर एक्सेलेरेशन। और इसकी स्टोरी देखना है आपको तो यहाँ से पॉज करके स्टोरी भी देख सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर पे रेल म्यूजियम विजिट करके, ये भी काफ़ी सही है, मतलब यहाँ पे स्टीम इंजन ज़्यादा है, एक दो ही है जो डीजल इंजन है। अंदर जाना मना है बट सब चले जाते हैं अंदर, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। वैसे वहाँ बोर्ड लगा है, एक दो इंजन के आगे बोर्ड लगा है कि अंदर जाना इंजन में मना है। तो ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये सब इंजन है, यहाँ पे सब स्टीम इंजन है और काफ़ी पुराने पुराने हैं, 1902 के हैं। और यहाँ पे वो जॉय ट्रेन है जिस पे हमने राइड की थी। तो गाइस अभी हम लोग जिस रोड पे हैं वहाँ पे सारी एम्बेसी हैं न्यू दिल्ली के अंदर, तो अभी आपको यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी दिख जाएंगे, कितना अच्छा रोड है ये। यहाँ पे आपको रशियन एम्बेसी दिख जाएगी, ये बोर्ड लगा था पीछे रशियन एम्बेसी, यहाँ पे लिखा है नो स्टॉप नो पार्किंग, मतलब बाइक राइड करने के लिए तो बहुत अच्छा है।